हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड दिस इज़ अपर्णा एंड आई एम बैक विथ अनादर रीडिंग वीडियो आज के वीडियो का टॉपिक है आपका जो ये क्वारंटीन टाइम अभी जो लॉकडाउन का टाइम चालू है या फिर ये कोरोना से जब तक रिकवरी हो रही है वो जब सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग क्या आ रही है ये देख रहे हैं हम सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है क्वारंटीन uh, के वक्त क्वारंटीन का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छह पाइल्स रखे हैं आज मैंने आप लोगों के सामने हर पाइल जो है मैं शॉर्ट में ब्लेसिंग बताने वाली हूँ डीप में नहीं ज़्यादा जाने वाली हूँ बस क्विक बताने वाली हूँ आपको क्या आ, ब्लेसिंग्स आ रही है कैसी ब्लेसिंग्स आ रही है ये सारी चीज़ें क्विकली बताने वाली हूँ इसीलिए थोड़े ज़्यादा पाइल्स इंक्लूड कर पाई हूँ आज के वीडियो में सो छः पाइल्स है आपके सामने छः में से आप जितने चाहे उतने पाइल्स पिकअप कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग है हो सकता है किसी के लिए एक ब्लेसिंग आ रहा है हो सकता है किसी के लिए दो चार ब्लेसिंग्स आ रहे हैं पाँच ब्लेसिंग्स आ रहे हैं तो छः पाइल्स इसीलिए रखे हैं मैंने नंबर्स के टाइम स्टैम्प्स रखे हैं आज वो भी मैंने शफल करके रखा है इन ऑर्डर नहीं रखा है शफल करके रखा है सो आपके लिए भी चूज़ करने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप कौन सा नंबर चूज़ करना चाहते हैं नंबर्स आप लोगों के सामने हैं फाइव 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 फोर फोर फा फोर इलेवन इलेवन नाइन 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 ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू थ्री 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 ओके सो ये छः पाइल्स है आपको जो फाइल चूज़ करनी है आप कर सकते हैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए रखे हैं मैंने तो जाके वीडियो फॉरवर्ड करके आप अपने टाइम का रीडिंग जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं पर्सनल uh, रीडिंग चाहिए हो अगर ब्लेसिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी सारी कॉन्टैक्ट लिंक और प्राइजेस मेरे मैंशन कर रखे हैं ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ऑल्सो पसंद आए वीडियो का टॉपिक एंड वीडियो ब्लेसिंग आपको जो मिलने वाली है वो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को कमेंट करके भी ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कौन सी फाइल पिकअप की थी और अगर ऐसे ही आपके पास कोई सजेशंस है वीडियो के जिस पर मैं वीडियो जनरल रीडिंग का बना सकूँ तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सो so, अब जरूर सब्सक्राइब कीजिए साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दें लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल फाइव 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 ओके फर्स्ट फाइल 555 देखते हैं आपके लिए क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद कौन सा स्पेशल ब्लेसिंग आ रहा है 555 जिन्होंने चूज किया है देखते हैं उनके लिए फर्स्ट थिंग जो आ रहा है कार्ड वो है टेक्नोलॉजी एट ऑफ वन्स टेन ऑफ कप्स ओके अगर आप फैमिली से फिलहाल दूर रह रहे हैं फैमिली से कनेक्शन टूट गया है या फिर हो अगर फैमिली में आपके कोई झगड़ा चल रहा है फॉर नाउ तो फैमिली में सारा झगड़ा सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे फैमिली एंड लव्ड वंस भी इंक्लूड है इसमें फ्रेंड्स हैं आपके लवर हैं फैमिली है जो भी एक्चुअल फैमिली है एक्सटेंडेड फैमिली है यानी कि इन लॉज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं तो अगर ऐसे आपके परिवार फ्रेंड्स सर्कल में या फिर लवर के साथ अगर कोई झगड़ा हुआ है तो हारमनी दिखाई दे रही है बनती हुई ये ब्लेसिंग आ रहा है क्वारंटीन के बाद सारी चीज़ें जो है वो लाइन पे आ जाएंगी ये दिखाई दे रहा है विच इज़ अ रियली गुड ब्लेसिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत टाइम सोच रहे थे आप एंड यू नो प्लान पूरा रेडी करके रखा है कि यार क्वारंटीन के बाद ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ को भी एक्शन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आफ्टर क्वारंटीन सो आप एक्जैक्टली exactly जो सोच रहे थे उस पर आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड एक्टिव होते हुए यू नो फिटनेस के बारे में भी सोचते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू एक्चुअली जो प्लान्स आपने बना रखे हैं दिमाग में जो जो सारी चीज़ें चल रही हैं प्लान जो तो सारी चीज़ें कर रखी हैं उसको एक्चुअली आप रियलिटी uh, में लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और उसके लिए जो है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ऑल्सो अगर कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यानी कि टेक इक्विपमेंट uh, कोई हो सकता है नया फ़ोन ख़रीदना हो नया टीवी खरीदना हो नया लैपटॉप ख़रीदना हो या फिर आई खरीदना हो फ्रिज अगेन माइक्रोवेव टीवी मिक्सर ग्राइंडर जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ऐसा कुछ अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी पूरा होता हुआ वो या फिर आपको कोई गिफ्ट देता हुआ या फिर आप ख़ुद ख़रीदते हुए मुझे आफ्टर द क्वारंटाइन एंड्स दिखाई दे रहा है तो ये भी अगर आपका प्लान है तो वो भी बनता हुआ इवन फाइनेंस उस चीज़ के लिए प्रोवाइड होता हुआ मुझे आफ्टर क्वारंटीन आपके लिए नज़र आ रहा है सो दिस वॉज़ द uh, रीडिंग जिन्होंने फाइव 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 चूज़ किया था कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्लेसिंग्स लाइक कीजिए इस वीडियो को कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ फोर 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 जिन्होंने चूज किया था देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रहा है आफ्टर द क्वारंटीन एंड्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन ओके सिक्स ऑफ कप्स फोर ऑफ पेंटेकल्स फर्स्ट थिंग जो दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करूंगी Uh, किसी पुराने दोस्त से पुराने सोल मीट से पुराने कनेक्शन से आपकी फापस से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है मुझे विल मीट दैट पर्सन आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम मैं ये क्वारंटीन का वक्त ही आप सेपरेट थे ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कोई पुराना स्कूल का फ्रेंड कॉलेज का फ्रेंड या फिर कॉलेज का लवर स्कूल का लवर यू you नो know, इस तरह का कोई एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव कनेक्शन से आपकी वापस से मुलाकात होती हुई मुझे नज़र आ रही है अगर आप अगर ये चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन अगर आपका है तो उनसे आप आपकी इस जन्म में पहली बार भी हो सकता है कि मुलाकात हो जाए तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत खुशियाँ देगा आपको आफ्टर क्वारंटाइन उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इंसान है ये हो सकता है कि बिज़नेस के लिए आपको हेल्प कर जाए आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर जाए या फिर हो सकता है रोमांटिकल कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में तो ऐसा मुझे या तो किसी ओल्ड रिश्ते से रीयूनियन या फिर नया रिश्ता जो पास्ट लाइफ में आपका कोई कनेक्शन रहा हो ऐसा नया रिश्ता आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है द नेक्स्ट थिंग जो ब्लेसिंग है आपके लिए वो हो सकता है कि आप uh, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कुछ करने के लिए इन्वेस्टमेंट uh, या पैसे का इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे घर खरीदना गाड़ी खरीदना कुछ नई चीज़ें खरीदना मटेरियलिस्टिक चीज़ें चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं जैसे कि मे बी तो मटेरियलिस्टिक जब चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ तो स्टॉक मार्केट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं ओके okay? इसमें आती है कि घर खरीद लिया कोई एक्चुअल वस्तु जिसको ख़रीदना ओके शेयर्स शेयर्स उसमें नहीं आते लाइक like, गाड़ी खरीद ली घर नया खरीद लिया या फिर घर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीद लिए जो आपको चाहिए थे इन्वेस्टमेंट ही होता है वो एक तरीके से सो so, वैसा कुछ ख़रीदते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं विच इज़ रियली रियली गुड ऑ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट करते हुए मनी मल्टीप्लाई करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं आफ्टर क्वारंटीन विच इज़ रियली गुड ब्लेसिंग अगैन साथ ही ये क्वारंटाइन के वक्त में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला है अपने क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए हो सकता है पेंटिंग ड्राइंग डांसिंग हॉबीज़ में अपने आ, यू नो टाइम स्पेंड कर रहे थे इन द इन द टाइम ऑफ क्वारंटीन या फिर अपने फैमिली के साथ यू नो जनरली डूइंग समथिंग क्रिएटिव अपने बच्चों के साथ अपने पेट्स के साथ अपने बहुत टाइम स्पेंड किया होगा इन द क्वारंटीन टाइम तो ये जो टाइम आपने उन लोगों के साथ स्पेंड किया है उसमें आपको हो सकता है कि कोई बड़े लाइफ का जो आपका डिसीजन लेना हो उसके सॉल्यूशंस मिल ज, मिल गए हो या फिर हो सकता है कि इन चीज़ इस सारे टाइम स्पेंड करते वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखे हो जो आपके बिज़नेस में आपके लाइफ में जनरली आप क्रिएटिवली यूज़ कर पाए तो आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके बच्चे या फिर यू नो पेट्स भी हमें कई कई बार ऐसी चीज़ें ना जनरल जनरल में सिखा जाते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशंस बन अपने सामने आ जाते हैं तो ऐसा भी कुछ आपके साथ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी आपके बच्चे आपके पेट्स आपकी फ़ैमिली जो है और उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम जो है वो आपके लिए एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने 444 चूज़ किया था अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ नेक्स्ट फाइल है इलेवन एलेवन वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद क्वारंटाइन के टाइम के सॉरी क्वारंटीन के टाइम के बाद फर्स्ट uh, थिंग है ग्रैटिट्यूड सेकेंड थिंग है एस ऑफ पेंटेकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्स ओके ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम या फिर किसी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहे थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे आप किसी को यू नो सपोर्ट कर रहे थे इमोशनली फिज़िकली फाइनेंशियली हो सकता है तो वो इंसान आपको थैंक यू बोलता हुआ नज़र आ रहा है उसकी तरफ से आपको ग्रैटिट्यूड आता हुआ नज़र आ रहा है इवन यूनिवर्स के लिए अगर आपने इस क्वारंटीन के वक्त में किसी गरीब की मदद की कर दी हो किसी कुत्ते को खाना खिला दिया हो क्योंकि उन लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है गाइज़ बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन तो अगर आप वैसा कुछ कर रहे हैं इस वक्त में तो यूनिवर्स आपके लिए जो आपकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड रख रहे हैं जो लोग और जो जिस लोगों को जिन लोगों को अपने खाना खिलाया है जिस कुत्ते को आपने दूध बिस्किट खिला दिया हो उसकी जो थैंक यू है उसका जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको ब्लेसिंग बन के आ रहा है आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है उनका जो उन्होंने जिस तरह से आपको थैंक यू कहा है उन्होंने जो आशीर्वाद आपको दिए हैं उन उसका फल मिलता हुआ मुझे आपको इस क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है सो अगेन इफ़ यू अभी तक आपने किसी की हेल्प ना की हो तो अगर आप कोई अवेलेबल है जिसकी आप हेल्प कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा उसका आशीर्वाद जो है आपको बाद में बहुत काम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंशियल भी आपको क्वारंटीन uh, के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आती हुई हो सकता है फाइनेंशियल आप प्रमोशन अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो प्रमोशन आ जाएगा या फिर अगर आप uh, Uh, किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड uh, चाहते थे कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी करियर जॉब एंड मनी रिलेटेड मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़े चेंजेस आते हुए पॉजिटिव चेंजेस आते हुए uh, क्वारंटीन के बाद आपके लिए दिखाई देते हैं ऑल्सो गाइज um, अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं अगर आप काफ़ी चीज़ों के काफ़ी चीज़ों को लेके इस टाइम में क्वारंटीन के या फिर क्वारंटीन से पहले भी काफ़ी चीज़ों को लेके सफ़र कर रहे थे अकेले ही थे जो सेक्रीफाइज किए जा रहे थे अकेले ही थे जो यू uh, नो you know, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे एंड इवन रिलेशनशिप में हो या फिर जनरल लाइफ में भी हो कि बहुत सहे जा रहे थे सहे जा रहे थे तो आप अपने लिए स्टैंड लेकर खड़े होते हुए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस क्वारंटीन के वक्त में होकर आप अपने लिए खड़े होते हुए स्ट्रांग बनते हुए एक कॉम्पिटिशन को यू नो फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बनाते हुए मुझे इन द वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं आप अपने लिए खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विच इज़ रियली रियली गुड सो ये था रीडिंग जिन्होंने वन 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 यानी कि इलेवन एलेवन चूज़ किया था आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई है एंड ऑल दैट ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ नेक्स्ट पाइल नाइन 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 देखते हैं जिन्होंने नाइन 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 चूज किया था आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है आपके लिए क्वारंटीन खत्म होने के बाद कौन सी ब्लेसिंग आ रही है द साइलेंस एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ पेंटेकल्स फर्स्ट थिंग जो लाउडली स्पीक आउट हो रही है कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो आपने बेसिकली uh, इस क्वारंटीन के वक्त पे या फिर इससे पहले जो आपने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या फिर uh, काफ़ी मेहनत कर रखी थी किसी चीज़ के पीछे तो मुझे उसका फल आपको ये क्वारंटीन के बाद ब्लेसिंग बन के आपकी लाइफ में आ रहा है मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है uh, तो ये ब्लेसिंग है कि आपने जो मेहनत कर रखी है जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका पेमेंट आपको आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उसके फल आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ऑल्सो साइलेंस का कार्ड आया है आपके लिए हो सकता है कि इस क्वारंटाइन के टाइम में आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया हो मेडिटेशन यूज किया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हो, हो गए या फिर क्रिस्टल हीलिंग या फिर रेकी या फिर कुछ ऐसा हीलिंग uh, आपने अपने आप पे करवाई हो या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअली बेसिकली कुछ कराया हो अपने लिए अपने लिए स्पिरिचुअली आप अवेकनिंग uh, करने की कोशिश अगर कर रहे थे इस क्वारंटीन के वक्त में तो उसके भी रिजल्ट्स मुझे आपको ये क्वारंटीन खत्म होने के बाद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन uh, जो आप कर रहे थे उसका फल मिलता हुआ उसका पॉजिटिव आउटकम आता हुआ रिजल्ट मिलते हुए आपके विशेष सारे जो है वो सच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आफ्टर आफ्टर द क्वारंटीन विच इज अगेन वेरी गुड थिंग साथ ही क्वारंटीन जब खत्म होगा द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी यू डूइंग इज पैम्परिंग योर सेल्फ हो सकता है कि क्वारंटीन खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ना लेजीनेस वो बना रहेगा आपका आपके लाइफ में अभी जो आराम करने की आदत हो गई है वो थोड़ी सी बनी रह, रहने वाली है दिखाई दे रहा है ये अगेन ब्लेसिंग नहीं है मैं ये जस्ट पॉइंट आ गया इसलिए बता रही हूँ ब्लेसिंग uh, मुझे इस तरह से दिखता है कि आप क्वारंटीन के बाद भी जो अपना ख्याल रखना सीखे हो ना इस वक्त में वो मुझे आप कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं इवन आफ्टर क्वारंटीन एंड्स विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग दिखाई देता है कि अभी क्वारंटीन uh, के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी केयर कितनी ले सकते हैं बिजी शेड्यूल में भी ऑल्सो मुझे क्वारंटीन के बाद आप ख़ुद को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं यानी कि जो आप खाना चाहते थे इतने टाइम से नहीं खा पाए लॉकडाउन की वजह से तो वो खा रहे हैं आप या फिर पार्लर वगैरह नहीं जा पाए हैं बहुत टाइम से तो पार्लर वगैरह जाके अपने आप को पैम्पर करते हुए uh, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर घूमने जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप तो अपने बारे में काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आप अपने आप को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग एंड इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू मी अपने आप को इन्जॉय करना अपने आप का साथ एन्जॉय करना दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग यू कैन एवर आस्क सो ये था रीडिंग जिन्होंने 999 चूज़ किया था आई होप कि आपको पसंद आया है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो कैसा लगा आपको ये आपका ब्लेसिंग ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ नेक्स्ट पाइल ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू पाइल नंबर फाइव है शायद से ये मैं काउंट भूल गई हूँ ओके सो देखते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू जिन्होंने चूज़ किया था आपके लिए रीडिंग क्या आ रहा है आपके लिए क्वारंटीन के बाद मैसेजेस क्या आ रहे हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं एजुकेशन दिखाई दे रहा है साथ ही टेम्परेंस है एंड एस ऑफ वन्स लाइफ में बड़ी कोई नई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है ऑलसो यू आर फोकसिंग ऑन फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ योर ऑफ योर सेल्फ साथ ही हाँ जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कह रही हूँ वो किसी भी फील्ड में हो सकती है आप जिस फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उसी में है एंड एक ब्लेसिंग के तौर पे ये नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है यू आर गोइंग टू फील यू टू फील ओवरवेल्म्ड आप बहुत खुश होने वाले हों ये ब्लेसिंग मिल गई है आपको ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ लाती हुई मुझे नज़र आ रही है साथ ही बैलेंस आता हुआ लाइफ में नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है आ, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया हो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हों यू नो फाइनेंशियल लाइफ पर्सनल लाइफ हैंडल नहीं हो पा रही है या फिर फैमिली लाइफ लव लाइफ हैंडल नहीं हो पा रही है दो चीज़ें एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ये दिखाई देता है कि क्वारंटीन के वक्त में कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है ये सारी चीज़ों को रिपेयर करने की और उसके बाद क्वारंटीन का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो आप पाएंगे कि ये सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो गई हैं अपने आप शांत हो गई हैं और सारी चीज़ों को आप अभी हैंडल करना सीख गए हैं ऑल्सो टेम्परेंस uh, uh, जो है वो ब्लेसिंग का भी कार्ड है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ब्लेसिंग है uh, जो आपकी लाइफ में आ रहा है काफ़ी टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड uh, वो नहीं हो रहा था बट अभी ये क्वारंटीन के बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको वो मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे साथ ही एजुकेशन uh, का कार्ड आया है आपके लिए सो so, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सोच रहे थे कि नया कुछ सीखूं नई चीज़ें uh, नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं या फिर अपनी स्किल्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्वारंटीन के बाद आपको वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ नया सीखेंगे कुछ नया हासिल करेंगे लाइफ में यू you नो know. एक नया पढ़ाव आपकी लाइफ का स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विच इज़ अ रियली गुड थिंग अगैन तो लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही है सारी चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस था तो नई चीज़ें सीख रहे हैं आप नई ब्लेसिंग्स आ रही है नई चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में तो सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए सो so, ये थे ये था रीडिंग जिन्होंने डबल टू डबल टू चूज़ किया था यानी कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू चूज़ किया था आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लगा है तो लाइक कीजिए नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा कौन सा ब्लेसिंग आपके लिए परफेक्ट रेजोनेट हो रहा है साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पाइल की तरफ लास्ट पाइल की तरफ आए हैं हम लोग थ्री 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 जिन्होंने चूज किया था देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आ रही है आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रहा है आफ्टर द क्वारंटाइन एंड्स डॉल्फिन टू ऑफ कप्स एंड मून डॉल्फिन कार्ड आया है आपके लिए ये क्वारंटीन ख़त्म हो जाने के बाद कुछ जॉय कुछ फन कुछ आ, कुछ अच्छा हो रहा है बेसिकली आप अगर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी मुझे आपके लाइफ में और ये क्वारंटीन एंड होने के बाद होता हुआ नजर नज़र आ रहा है अगर आप आ, किसी बीच पे जाना चाहते थे या फिर किसी यू नो बेसिकली एक्वेरियम्स हु एनिमल्स के अराउंड हो ऐसा कहीं जाना चाहते थे या फिर जनरली आप अगर बेसिकली सिर्फ मॉल में जाना चाहते थे क्योंकि घर में बैठ के अभी आई अंडरस्टैंड सभी लोग इरीटेट uh, हो रहे हैं तो अगर वो सब सारी चीज़ें आप करना चाहते तो चाहते थे तो एक लंबी वेकेशन एक आरामदायी वेकेशन ट्रिप दिखाई दे रही है आपकी थोड़ा टाइम ऑफ़ ऑफकोर्स ज़्यादा लगेगा ये ट्रिप फुलफ़िल होने के लिए क्योंकि क्वारंटीन के बाद भी थोड़ा कोरोना का इफेक्ट तो रहेगा ही आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बट जॉय दिखाई दे रहा है फ़न दिखाई दे रहा है लाफ्टर दिखाई दे रहा है ट्रैवल करने का मौका आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ऑल्सो इमोशन्स जो उथल पुथल चल रहे हैं फॉर नाउ इन द कॉरंटीन वो भी सारे बैलेंस होते हुए मुझे आफ्टर क्वारंटीन दिखाई दे रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग आप मुझे uh, कुछ ऐसे मेजर्स ले रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है इन द क्वारंटीन जिससे आपके इमोशन्स सारे अलाइन हो जाए इमोशंस सारे हील हो जाए आप कहीं ना कहीं हीलिंग करवा रहे हैं अपनी हीलिंग ले रहे हैं या फिर आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है कि आप टैरों से कंसल्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके सारे जो चीज़ें हैं ना वो अलाइन होती हुई इमोशनली आप थोड़े बैलेंस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आफ्टर क्वारंटीन so, इस क्वारंटीन के वक्त में आप वो सारे चीज़ें कर रहे हैं वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं और क्वारंटीन के बाद ब्लेसिंग बनके आपकी चीज़ें जो हीलिंग जो है आपके लिए आ रहा है यानी कि पूरी तरह से आप तभी हील हो जाएंगे तभी आपको सारी चीज़ें जो है आपके ऑफ ट्रैक जो गई थी वो ट्रैक पे आती हुई मुझे आफ्टर क्वारंटीन नज़र आ रही है खुद ही आ जाएंगी और आपको लगेगा भी कि यार सारी चीज़ें हो गई ठीक से ऑल्सो अगर आपका पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है तो क्वारंटीन के बाद मुझे आपका रीयूनियन नज़र आता है दोनों साथ में हो जाएंगे परफेक्ट uh, सिंक्रोनिसिटी के साथ आप दोनों एक साथ रीयूनियन uh, आपका हो जाएगा लेवल कनेक्शन का लेवल जो है एक और लेवल बढ़ जाएगा ऑल्सो अगर आप सिंगल uh, हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिल जाए आफ्टर क्वारंटीन आपकी मुलाकात होगी अपने सोलमेट से आफ्टर क्वारंटीन uh, ये भी दिखाई देता है सो so, ये था रीडिंग जिन्होंने थ्री 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 चूज़ किया था अगर पसंद आया हो रीडिंग तो लाइक like ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो सजेशन्स हैं तो वो भी शेयर कीजिए मेरे साथ uh, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंजॉय